हाँ तो भाई और बहनों, बॉय स्कूल की शबाटर बाजी पे मैं दो वीडियोस तो बना चुका हूँ, लेकिन लॉन्ड ने बड़ी डिमांड कर रहे थे कि अहमद भाई एक होनी चाहिए, फाइनल एक होनी चाहिए। हमने कहा ओके भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लॉन्ड हमसे डिमांड करें और हम ये करें ना, क्योंकि एका जो ठहरा हमारा। अब एके से याद आया कि भाई एक दफा ना हमें ओ लेवल्स के अंदर सूडो कोड सिखाने के लिए कंप्यूटर लैब लेके जाया गया कि भाई इनको कंप्यूटर लैब में लेके जाओ, इनको सूडो कोड सिखाओ, कम से कम पेपर तो दे सके। तो तुम्हारे स्कूल में भी एक लड़का होगा कोई ऐसा जो पढ़ाई में ऐसा ही सा होगा, खराब सा, उसकी रेपुटेशन भी गंदी सी होगी, टीचर उसको कहते होंगे ये फारिग है, लेकिन वो साला बिल्कुल अलग टाप होगा, ऊपर से आएगा बिल्कुल ना, उसका दिमाग ऊपर कहीं काम कर रहा होगा, वो बिल्कुल खतरनाक चीज होगा। मतलब उसके बकौल ये पढ़ाई वाला उसके कोई काम की नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा कोडर बन के बैठा है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है आगे जाके, ये पढ़ाई ऐसी है। हमारे पास भी था वो भाईजान, कुछ नहीं किया उन्होंने, एक चिट पे दो लाइनों का एक छोटा सा कोड लिखकर आ गया वायरस डॉट बैट के नाम से, और भाईजान ने 26 के 26 पीसी के अंदर फॉरवर्ड कर दिया। एक इतना खतरनाक कि एक पीसी में जो है ना वायरस नहीं डलेगा, डलेगा तो पूरे 26 के 26 में। हर लॉन्डे को ये जो इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि तेरे पीसी में अगर वायरस नहीं डला तो तेरी शामत है, तू फिर गया, तू फिर कल से स्कूल नहीं घुस सकता, तो बेचारे को करना पड़ा। तो 26 के 26 पीसी ऐसे ही डाउन कर दिए, पता नहीं क्यों किए लेकिन कर दिए। अब इसके बाद आते हैं भाई पढ़ाई के ऊपर। तुमने साइंस की थ्योरी पढ़ी होगी, हमने किए डायरेक्ट प्रैक्टिकल, समझ लो थ्री क्लास में फ्रिक्शन पढ़ी थी, याद होगा द रेजिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट फेसेस व्हेन मूविंग ओवर अनदर, इस तरह का कुछ था। तुमने की थी थ्योरी, हमने किए उसके प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ एक दिन रिवाज चला भाई, स्कूल में होते थे सॉफ्ट बोर्ड, उनपे लगी थी थंबपिन, थंबपिन को डालो पॉइंटर के पीछे और जमीन पे इतनी जोर से रगड़ो कि उसका टेम्परेचर सूरज जितना हो जाए, और उसके बाद रुको नहीं, किसी के जाके हाथ पे चिपका दो, ऐसी की तैसी हो जाए उसके हाथ पे, भले इतना बड़ा छाला पड़ जाए जल के, लेकिन उसकी ब्रांडिंग करनी है। मेरे आज तक हाथ पे निशान है, मुझे नहीं पता कभी स्कूल में भीड़ में कहीं से पॉइंटर आया था मेरे हाथ पे लगा, और वो इतनी जोर का निशान मार के गया, इतना गहरा निशान मार के गया कि वो मेरे निशान मेरे हाथ पे नहीं मेरी रूह पे लग गया, और वो मेरे अकेले के नहीं, वो स्कूल के 400 बच्चों पे था, सबकी ब्रांडिंग हुई थी, सबका ये था कि ये निशान जिसके हाथ पे होगा वो हम में से है, जिसके हाथ पे निशान नहीं होगा ना वो हम में से नहीं है, ये पहचान थी हमारी। लॉन्डो की क्रिएटिविटी तो पता ही है, खतरों के खिलाड़ी बने बैठे हैं यहाँ पे, बास्केटबॉल से फुटबॉल खेली जा रही है, रख रख के किक मारी जा रही है बास्केटबॉल में, प्रिंसिपल की ऐसी की तैसी हुई हुई है। इसी तरह एक दफा क्या हुआ था, सैफी भाई आए थे नए नए टीम में, उनका स्वीप शॉट बड़ा हिट हुआ था, रख रख के स्वीप मारा करते थे। हमारे भाई भी एक दिन स्पोर्ट्स रूम से हार्ड बॉल और बैट निकाल के लिया कि आज मैं भी सैफी भाई बनूंगा। भाईजान ने पहली बॉल पे रख के स्वीप मारा था, बेचारे कैंटीन वाले नया नया शीशा लगवाया था, उसका शीशा फोड़ दिया। मुझे आज तक अफसोस होता है कि उस बेचारे की गलती थी, वो तो रोजगार कमाने आया था, लेकिन भाईजान ने शीशा फोड़ दिया, उनको सैफी भाई बनना था, बन गए। उसके बाद कुछ नहीं, बल्ला वहीं फेंका गया, मौका है वारदात पे, मैं खड़ा था और दो तीन और लौंडे थे, हम सब आगे पीछे, हमने कहा यहां से निकलो अभी नाम वाम आ जाएगा अपने ऊपर, फालतू का बिल फट जाएगा कि शीशा भी लगाओ इसका। हम सब आगे पीछे हो गए थे, तो आज तक उनको नहीं पता कि वो शीशा किसने फोड़ा था। अब तुम्हारे स्कूल में भी कोई एक ऐसा लौंडा होगा जिसके अंदर कुछ करने का कीड़ा, क्यूरियोसिटी का कीड़ा होगा उसके अंदर ना, कि मैं कुछ कर दूं, ऐसी की तैसी, भले खुद को नुकसान पहुंचा दूं लेकिन मैं कुछ कर दूं। हमारे पास भी था, हम एक दिन के केमिस्ट्री की लैब के अंदर, हमने पढ़ना था वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस, हमने वहां पे प्रैक्टिकल देखना था, तो हमारी मिस ने दिखाया भाई देखो कैथोड होता है ये एनोड होता है, इसमें करंट मारो तो दोनों केमिकल अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर इससे आप जो है ना बिल्कुल सॉल्यूशन अलग कर सकते हो। हमने कहा ओके। टीचर मुड़ी पीछे से कहता है उनके अंदर काटा मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने का कीड़ा ना, उन्होंने दोनों निकाल लिया, उन्होंने कहा मैं तुझे झटका देखता हूं, देखते हैं कौन मरता है कौन जिंदा रहता है। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया तेरा, इसको फेक साइड में, वहां से उनको वो रखवाया, तो भाईजान बायो के सेक्शन में मुड़ गए, वहां से वो शीशी के अंदर सांप प्रिजर्व हुआ रखा था, वो शार्ट करने के मूड में कह रहे हैं आज इसको हम आजाद करेंगे। वो तो अच्छा हुआ टीचर की नजर पड़ गई, नहीं तो वो सांप तो उस दिन आजाद था और वो स्कूल में कहीं पड़ा हुआ होता बेचारा। फिर वहां से बाहर निकलते हैं लैब से, तो मुझे दिखाते हैं, कहता है वो देख रहा है स्पीकर। मैंने कहा हाँ, कह रहा तोड़ दूं। मैंने कहा क्यों तोड़ दूं, मतलब नुकसान ही क्यों करना है कि स्पीकर तोड़ दूं, सांप गाड़ लूं, कैथोड तेरे सीने पे लगा के तुझे झटके दे दूं। क्लास में गए बल फोड़ दिया, काम में अपने कामयाब हो गए, चैन से बैठ गया कि चलो यार कुछ कर दिखाया, कुछ कर दिखाने की जो जुस्तजू थी ना उनकी कि मैं कुछ चीज खराब कर दूं वो उनकी पूरी हो गई। इस तरह के लौंडे बड़े होते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन एक कोई होता उनका सरदार, वो था। फिर स्कूल का बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा था, तो खबर आई सुनने में कि भाई हमारे स्कूल वाले जो है ना पिकनिक पे लेके जा रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड, बड़ा मजा आएगा। हमने कहा ओके भाई चलो बिल्कुल ठीक है। अब नॉर्मल बंदे को टेंशन होती है कि यार मैं कल पहन के कहा जाऊंगा ड्रीम वर्ल्ड, या मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदना है, मुझे और भी एसेसरीज है वो खरीदनी है वहां पे, मतलब पूरा दिन गुजारना है ना। हमारे लॉन्डो को टेंशन हो रही है कि हम गोल्ड लीफ का डब्बा कैसे स्मगल करेंगे, हम गोल्ड लीफ का डंडा पूरा का पूरा अंदर कैसे लेके जाएंगे, या तो टीचर खड़े हुए तलाशियां होंगी, और टीचर भी फुल छपाटर, उनको पता था कि लॉन्डे जो है ना कुछ ना कुछ लेकर आएंगे इन सबके बैग्स चेक करने। तो बड़ी मुश्किल से हमारे लॉन्डो ने डंडे को तोड़ा था, दो दो की डब्बियां जूतों के मोजे में छुपाई थी, और फिर सारे ड्रीम वर्ल्ड लेके पहुंचे थे कि भाई चलो कम से कम नशा पानी तो निकले वहां पे अपना। लेकिन भाई सारी मजाक की बातें साइड में, हमसे बड़ा गलत हुआ है, हमने गलत किया है। अभी हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार हमने जो किया हमने गलत किया, तो सब बच्चे थे अकल नहीं थी,
तो टीचरों का बड़ा दिल दुखाया हमने, अपनी प्रिंसिपल का बड़ा दिल दुखाया, और ये मेरी तरफ से नहीं, हमें बाकी लड़कों ने भी बोला था कि अहमद भाई यार ये बड़ा गलत हो गया था, इनसे एक फॉर्मल अपॉलोजी होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्कूल भी छोड़ के जा चुकी है। तो उनकी तरफ से, मेरी तरफ से भाई बड़ी माजरत, हमें पता नहीं था, हम बच्चे थे, हमारे हिसाब से मजाक था, आपको बुरा लग जाता था, तो सॉरी।